प्रभात, केम समझ आया? मैं तो बढ़िया था, मस्त से एकदम रेडी हो गया हूँ। थोड़ी देर में निकल जाऊँगा। अभी टाइम हो रहा है कितना? 9:49 हो रहा है। अभी एक जगह जाऊँ, दो जगह जाऊँगा। रात का अपना 8 बजे का फ्लाइट है, तो यहाँ से 1.5 घंटा दूर है। तो उधर हम लोग कितने बजे निकलना पड़ेगा यहाँ से? 3, 3:30, 4 बजे निकलना पड़ेगा। 1 घंटा पहले पहुँचना, मतलब 7 बजे मेरे को एयरपोर्ट में पहुंचना ही है। चलो अभी चेकआउट कर देता हूँ, निकलता हूँ। रूम टूर नहीं दे रहा क्योंकि नहीं अच्छा है। मैं ऐसे ही सादे में ही रुक रहा है। ओके गाइस, बेड है, एसी नहीं है, पंखा है, एसी की जरूरत ही नहीं है। चलो निकलते हैं। अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर जो काम निपटाते हैं उसके बाद आपको थोड़ा बेंगलोर का टूर भी दे देंगे, है कि नहीं? निकल रहा था और ये बहुत मस्त खाना है उडुपी उपहार में। सही लगा अपने को, सपोटा जूस एकदम मस्त। सपोटा मतलब चीकू जूस सबसे बेस्ट। अभी निकलते हैं, चलो। ये देख रहे हो गाइस, मैं मस्त रास्ते से जा रहा था तो लेक मिल गया, बहुत सही है। समझ रहे हो तो गाइस, तो लोकेशन पे तो पहुंच गया था अपने को, जहाँ बुलाया था वहाँ पे। अभी हो रहा है 12:16, बट देखो एक कांड हो गया रास्ते में, मोबाइल गिर गया, तो पूरा थोड़ा ज़्यादा ही एक्सट्रीम डैमेज हो गया है, देख रहे हो? तो ये दुख वाला बात हो गया है, पर क्या कर सकते हैं अभी। तो फिर यहाँ पे लास्ट मीटिंग है, उसके बाद और एक जगह पे मीटिंग, उसके बाद पूरा फ्री। और रास्ते में तो देखा क्या मस्त नज़ारे वाला लेक था, मजा आ गया। तो वापस जाने के लिए तो रेडी हो गया, तो अभी जा रहा हूँ बस स्टेशन तक। उसके बाद बस स्टेशन से एयरपोर्ट, यहाँ से 1.5 घंटा लगता है, 3:30 के आसपास। तो वैसे ही हो रहा है, वहाँ पे पकड़ लीजिए 4 बजे के आसपास मैं पहुँच जाऊँगा। क्यों, मैं जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि अगर होता है तो 1-1.5 घंटा होता है। अभी तक खाया नहीं, मैं सोच रहा हूँ एयरपोर्ट जाके आराम से सुकून का सांस में खाएगा। तो ये कुछ ऐसा है यहाँ पे मस्त सिस्टम, ये अपना बस स्टेशन ही है। ऐसे घूम के जाऊँगा उस तरफ, बस स्टेशन बहुत बड़ा है। अगली बार जब आऊँगा तब मस्त मेट्रो में बैठूँगा और थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके आऊँगा। अभी तो मैं काम के लिए आया था, तो इसलिए जब घूमने आऊँगा ना सब कुछ घुमाएगा ना तुम्हारो यार। अच्छा सिटी है, मज़ा आ गया देख के। ये सब उसका ये है, आ गया स्टेशन। क्या बात, ये सारा बस स्टेशन है, ये बस स्टेशन है, देखो टर्मिनल गुट है, सही है। चलो मैं पूछ लेता हूँ कि कहाँ पे एयरपोर्ट का बस है, पूछ के निकलते हैं। हाँ तो उन्होंने बोला 2nd लेफ्ट है गंपकोड़ा बस स्टेशन। माय गॉड, ये हेवी बस स्टेशन, बहुत बड़ा है। तो अभी हम निकलते हैं, और वाला मोबाइल तो उसका स्क्रीन प्रिंट सब बढ़िया है, बहुत दुख लगा मेरे को। स्विच ऑफ भी हो गया है वाला मोबाइल, और दुख लगा मेरे को। तो देखते हैं अभी क्या करेंगे, उधर 2 घंटा पूरा टाइम पास करना है। मैं सोच रहा हूँ उधर एयरपोर्ट में जाके मस्त मूवी डाउनलोड कर लूँगा और जाते जाते देख डालेंगे, है कि नहीं गाइस? ये है उसका आधा बस स्टेशन, इस तरफ है उसका आधा, इस तरफ है उसका आधा, मतलब समझ रहे हो गाइस? अभी मैं गन्ने का जूस मार लिया क्योंकि एनर्जी जिल्लो नहीं होने मांगते हैं, और घर वापसी हो रहा है। यस, मज़ा आ रहा है, मस्त अपना बस मिल गया है, यही वाला बस है। और अभी थोड़ी देर में निकलेगा, तो 45 मिनट के आसपास तो लगेगा बस में बैठे बैठे। तो 5 बजे के आसपास पहुँचूंगा, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 3 घंटा बैठना पड़ेगा सीट। दुख वाला बात हो गया ये तो। 45, अभी 3:30 हो रहा है, ये शायद 4 बजे के आसपास निकलेगा। तो अगर तुम लोग इधर आ रहे हो और कुछ मालूम नहीं है तो मजेस्टिक में आ गए, ये रोड पे ही खड़ा रहता है, 9 नंबर का बस। वो जाएगा भी, वहाँ से आएगा तब भी 9 नंबर, यहाँ से जाएगा तब भी 9 नंबर। तो बिना कुछ ये किए
बैठ जाना। वोल्वो का है मस्त, 245 रुपए लेता है और एसी भी है बहुत सही। चलो भाई वहाँ पे एयरपोर्ट में ही ब्लॉगिंग करेंगे डायरेक्ट। मस्त गाड़ी निकलने वाला है। क्या गर्मी लग रही है, पूरा एक्सट्रीम गर्मी। सुहाना सफर, ये बिल्डिंग है तो क्या क्या बिल्डिंग है, माय गॉड मज़ा आ गया देख के। अपन भुवनेश्वर जाके इसको मिस तो करेगा, क्या बोलती तुम लोग। बस बस पूरा का पूरा भर गया है। ओ माय गॉड ये देख रहे हो गाइस, सही है, इंप्रेसिव है, सही है। अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट। मस्त धूप आ रहा है एकदम, वो बच्चा मार्ट मार रहा है धूप गजब का। तो ये सब पिलर देख रहे हो ना फ्लो, थोड़ी देर में मेट्रो बन जाएगा। मेट्रो बनने के बाद पूरा बहुत सही है एकदम, मेट्रो में एक्सपीरियंस लेंगे। बस से जल्दी पहुँच जाएगा मेट्रो एकदम डायरेक्ट एयरपोर्ट तक पूरा पहुँच आ रहा है। अभी बन रहा है, रिपोर्ट के हिसाब से बोल रहे थे कि 2023 तक तो बन जाना चाहिए दिसंबर में। फाइनली पहुंच गए, 1 घंटा 15 मिनट लगा। फाइनली एयरपोर्ट ही गया, अपन भी घर जा रहे। माय गॉड घर जा रहे, घर का बहुत ज़्यादा है। एक दिन में मजाक कर रहा था हम, मजाक। अभी लंच नहीं किया है तो लंच कर लेता है। 5:15 हो रहा है, 5:15 हो रहा है, लंच खा के फिर निकल लेता है। टर्मिनल 1 में अपना बहुत टाइम है, थोड़ा घूम घाम लेते हैं कि नहीं गाइस। थोड़ा चार्जिंग भी कम है, 50% के आसपास चार्जिंग है। डिपार्चर गेट इस तरफ से, पर अब नहीं जाएगा इतना जल्दी का, जाके करेगा भी क्या। इससे अच्छा थोड़ा घूम घाम लेता है, मस्त आपको दिखा भी देता है, तो थोड़ा व्लॉगिंग भी हो जाएगा। क्योंकि बैंगलोर में तो कॉन्टेंट हुआ नहीं, थोड़ा दुख वाला बात है। मतलब अंदर में कुछ नहीं हुआ कॉन्टेंट, सॉरी उसके लिए, पर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिंदा है हम, वापस आएगा। उस तरफ का तो तुम लोग को दिखा दिया था, ये वाला पार्ट सब कुछ दिखा दिया था, अभी अंदर चल के दिखाता हूँ। वो क्या भीड़ है, सही है। अभी डीजी बोर्डिंग पास डाउनलोड कर लेता हूँ, फटाफट भी जाऊँगा। तो हम लोग ने मस्त डीजी यात्रा ऐप डाउनलोड कर लिया था, तो उधर मुँह पूरा स्कैन करके VIP एंट्री। ये लोग ऐसे घूम घूम के जा रहे हैं ना, बहुत लंबा लाइन, वो सब अपने में नहीं पहुँच जाएंगे, है कि नहीं गाइस। वही बातें तो बाद में याद आएंगी, है कि नहीं। तो डीजी यात्रा तुम लोगों का डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करो, क्योंकि ये कोई हमारे पीछे लाइन ही नहीं है, बिल्कुल लाइन नहीं। और इधर देखो क्या लाइन है, भीड़ भीड़। तो डीजी यात्रा डाउनलोड करो फटाफट। तो मस्त सिस्टम से अपन फटाफट अंदर घुस गया, ये लोग तो बहुत लाइन लगा गया है। तो डीजी यात्रा बहुत सही ऐप है, मतलब यूँ फटाफट हो जाता है। अभी चेक इन की तरफ जाऊँगा, पहले थोड़ा खाना पीना कर लेता हूँ। लंच वंच नहीं किया तो भूख लग रहा है अपने को, देखता हूँ क्या क्या है खाने के लिए। एयरपोर्ट देख रहे हो, क्या गजब एयरपोर्ट है ना, अंदर से कुलगुल हो जाता है एयरपोर्ट देख के। तो उस तरफ है CCD वगैरह है, और उस तरफ क्या है पता नहीं। अपन चलता है ऊपर, ऊपर में देखते हैं क्या कुछ है, वरना वापस नीचे आएंगे देखने के लिए खाने के लिए। एयरपोर्ट का ब्लॉग ज़्यादा लग रहा है, नहीं क्या बैंगलोर से ज़्यादा तो एयरपोर्ट का ब्लॉग लग रहा है। क्या कर सकते हैं, टाइम ही नहीं मिला अभी। भीड़ ही भीड़ गाइस, भीड़। सिक्योरिटी गेट है यहाँ पे ही है, डोमेस्टिक का सिक्योरिटी गेट, सही है। तो डीजी यात्रा के लिए सिक्योरिटी चेकिंग में भी इधर लाइन नहीं है, मतलब क्या उसका बोलते हैं, इधर कुछ लाइन नहीं है अपने लिए। नंबर 8 पे देखते हैं, चलो मिल आ गया। अब उनका सिक्योरिटी चेक वेक हो गया, डीजी यात्रा में बहुत सुविधा कर दिया, फास्ट एकदम, बिल्कुल लाइन में खड़ा ही नहीं रहना पड़ता। और यहाँ का एयरपोर्ट क्या गजब का बड़ा एयरपोर्ट है, माय गॉड में तो पहली बार इधर देख रहे हैं। सब कुछ है बढ़िया सा एकदम,
ओरेलिया सॉपर स्टॉप शॉपिंग वगैरह का सब इतना माल जाम 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 कर दिया है बहुत गाइस माय गॉड। और ये देख रहे हो बैग्स वगैरह माय गॉड सुपर स्टॉप। हम लोग उधर से नहीं ले पाए इधर से कौन ले पाए ये क्या है ओ माय गॉड दारू। अपन तो मस्त मजा आ रहा है घूमने के लिए। ये डोनेट इस तरह से एग्जिट ये है KFC। क्या बड़ा मॉल है इतना बड़ा जगह है। मैं पहली बार ऐसा इतना बड़ा एयरपोर्ट में है तो थोड़ा अलग तो लग रहा है अपन। ये देखो अभी देखता हूँ मैं मेरा जगह किधर है। इधर 28-30 उधर तक है। मैं उधर चल के कुछ ऑर्डर वाडर करते हैं। इसके अंदर भी कुछ मस्त मस्त जगह है जाते हैं खाते हैं है कि नहीं। इस पर अपन को देख के तो इतने एक्साइटमेंट हो रहा है क्या बड़ा एयरपोर्ट है। अभी उस तरफ आपको उस तरफ लेके जाता हूँ मज़ा आएगा दिखाता हूँ क्या चीज़ है। स्टारबक्स देख रहे हो गाइस स्टारबक्स क्या मस्त बनाया है दिखाता हूँ रुको। ये अलग ही स्टारबक्स बनाया है बढ़िया है सही है। चलो अपन मुंह वो धो के थोड़ा फ्रेश अप हो जाता है फिर आपको मिलता हूँ ओके गाइस। तो इस तरह भी दिखा देता हूँ ये सब देखो ज्वेलरी का सारा बैग्स वगैरह सब कुछ इतना मस्त मस्त है। उधर ये वाला पार्ट इधर मजा ही आ गया देख स्मूथ चाय कॉफी मस्त। अपना खाना आ गया है पाव भाजी बेच लस्सी चलो इसको खाते हैं फिर। अभी 2 घंटे क्या करूँगा मालूम नहीं चार्जिंग भी नहीं है। मैं सोचता हूँ चार्जिंग रख लूँगा फिर डाउनलोड कुछ कर लेंगे मस्त वाला। चलो इसको खाता हूँ बहुत गजब का भूख लग रहा है 5:30 हो रहा है। तो मैं जा रहा हूँ अपने गेट नंबर 7 के पास क्योंकि अपना गेट नंबर 7 ये नीचे है। ये अपना ऊपर वाला सिस्टम मस्त नीचे जाके दिखाता हूँ नीचे क्या क्या। Oh my God, दोस्त अपना 7 नंबर पे बैठते हैं आराम से फिर उसके बाद और कुछ गा ही नहीं एकदम मस्त। सो निकल रहे हैं अपना टाइम आ गया इधर है ऐसा लाइन मस्त निकलता है बैठा के आपको फोन देखाता हूँ। सो मस्त एकदम देखो प्लेन है प्लेन मस्त ऐसे बैठे खचा खच भरा पड़ा हुआ है। अभी जहाँ पे वहीं पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे ये है प्लेन है अपना प्राइवेट मजा प्राइवेट प्लेन बहुत छोटा है नहीं क्या। आकाश एयर ज़्यादा चल रहा है आकाश एयर वापस आ रहा है माय गॉड एयरपोर्ट दिख रहा है देखो पूरा लाइट से भरा हुआ है उधर कहते हैं अपना प्राइवेट जेट खड़ा है ना माय गॉड। अपने लिए तो आया है क्या भुवनेश्वर को लेके जाने के लिए और ये सब मस्त एकदम झगड़ा वाला चीज़ होके रखा है सब ऊपर जा रहे हैं अपन भी जाएगा है कि नहीं। पर पहले ब्लॉगिंग कर लेते हैं बाद में ये मौका मिले या ना मिले मस्त चढ़ रहे हैं अभी पहाड़ चढ़ रहे हैं माय गॉड। ये अपना दूसरा प्राइवेट जेट मतलब 2-3 प्राइवेट जेट है अपने पास किसको रेंट पे चाहिए रहेगा तो पता नहीं। ओके गाइस कुछ भी अपने घर पहुंच गए। अपने घर पहुंच के बहुत सही लग रहा है। अपना घर छोटा है पर अच्छा है अपना घर तो घर होता है कि नहीं गाइस। चलो फटाफट निकलते पापा वहाँ पे वेट कर रहे हैं आपको मिलते फिर।
अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपने को याद करके सो जाओ। शुभ रात्रि। टाटा।